नमस्कार, मैं हूं वारिस खान और आप देख रहे हैं एसआर लाइव निमाड़ न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जय राष्ट्र हिंदू संगठन के द्वारा आयोजित कावड़ यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु। जिले की डांडा बड़ू ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। खरगोन जिले के कई स्थानों में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर दी गई श्रद्धांजलि। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों का प्रदर्शन। कसरावत में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। श्रावण मास में खरगोन शहर से कावड़ यात्रा निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को ममलेश्वर मंदिर कुंदानगर से बड़ी संख्या में कावड़ यात्री मेल डेरेश्वर भगवान महादेव के आशीर्वाद के लिए पहुंचे। रविवार की सुबह खरगोन शहर में कुंदानगर स्थित भगवान ममलेश्वर महादेव से बड़ी संख्या में कावड़ यात्री और श्रद्धालु सम्मिलित हुए। यात्रा में स्त्री पुरुष और बच्चों ने भी भाग लिया। प्राप्त जानकारी में बताया गया कि जय राष्ट्र हिंदू संगठन के द्वारा आयोजित कावड़ यात्रा में शामिल कावड़ यात्री भगवान मेलडेरेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे एवं मनोकामनाएं मांगेंगे। कावड़ यात्रा के दौरान मार्ग में शामिल कावड़ यात्रियों ने डीजे पर भगवान महादेव के भजनों पर जमकर नृत्य किया। आगामी दिनों में तीज त्योहारों को देखते हुए खरगोन जिले के कसरावत में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी धार्मिक त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराना है। कसरावत शांति समिति की बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में आगामी शिवडोला, ईद और अन्य त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर वरिष्ठ लोगों ने अपनी ओर से विचार प्रकट किए। बैठक में शिवडोला मार्गों को लेकर भी चर्चाएं की गई। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। लाख दाव के बावजूद भी भ्रष्टाचार है कि खरगोन जिले में रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जिले की टांडा बड़ू ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है। खरगोन जिले की टांडा बड़ू ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि ग्राम में 5 विभिन्न क्षेत्रों पर आंगनवाड़ियों का निर्माण कार्य संपन्न हुआ था, परंतु सरपंच और सचिव की मिलीभगत से राशि का अधिकतम भुगतान हो चुका है, लेकिन फिलहाल आंगनवाड़ियों का काम अपूर्ण पड़ा हुआ है। आंगनवाड़ी निर्माण में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि ना तो अभी तक बाउंड्री वॉल पूरी तरह बनी है, ना ही शौचालय की सुविधा यहां पर उपलब्ध कराई गई है। ऐसी परिस्थितियों में यहां पर आने वाले नन्हे बच्चों के द्वारा आंगनवाड़ी में समुचित संसाधनों की उपलब्धता कैसे हो पाएगी? इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों के द्वारा वरिष्ठ कार्यालय तक शिकायत की गई, लेकिन नतीजा सिफर ही निकला है। हाल फिलहाल ग्रामीणों ने मांग की है कि आंगनवाड़ी निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार की जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाए और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बरूर से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। कार्य किसी के बोलने से पूर्ण नहीं होता, जब तक जो एस्टिमेट में प्रावधान है वो कार्य पूरे नहीं होंगे तब तक उसका पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकता है। जिसने काम किया एजेंसी ने किया है उसको जो रिमेनिंग काम है यही को मैं बता करके उसके जो प्रावधान है उसके हिसाब से सारे काम कराए जाएंगे, उसके बाद ही वो कार्य पूर्ण माना जाएगा। 5 आंगनवाड़ी स्वीकृत थी जिसमें से 3 का निर्माण पूर्ण हो चुका है और उनमें सिर्फ हैडपम्प लगाना शेष है। जैसे ही हैडपम्प वालों से बातचीत चल रही, PHC में आवेदन लिख के भी दिया है, हैडपम्प हो जाता है वो पूर्ण हो जाएगी, है ना। बाकी कोई कार्य शेष नहीं है। 1 8 नंबर की है और 1 3 नंबर है, 2 का कार्य अभी चल रहा है। वर्तमान में ग्राम पंचायत में जैसे अभी हमारे पास नाला नहीं आया तो पेयजल की समस्या है,
तो जिस कारण से उसका कार्य अधूरा है, जैसे पेयजल की समस्या होती है पूर्ण हो जाएगी, जैसे पेयजल उपलब्ध होता है हम कार्य पूर्ण करवा देंगे। परंतु मंत्री महोदय राशि तो पूरी निकल गई है और ना किसी तो का ना, ना, ना किसी भी कार्य पर राशि पूर्ण नहीं निकली है। भाई साहब आंगनबाड़ी में वाल बाउंड्री अभी जो बाकी है क्रमांक 8 में, उसमें भी बारिश नहीं हुई इसलिए बंद था, अभी चालू करवाएंगे और जल्दी से जल्दी उसको बंद बनवा देंगे वाल बाउंड्री। और जो बोर का है, बोर अभी हमारा राजू थोड़ा सा कई तबीयत खराब होने से छुट्टी गए हैं, तो वापस जैसा आए वैसे बोर भी करवा देंगे, पाँचों में बोर करवाना है, करवाएंगे बोर तो। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का शरीर पंचतत्वों में विलीन हो चुका है। देश भर में उनके चाहने वाले और प्रशंसक श्रद्धांजलि संदेश के जरिए अपने प्रिय नेता के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और सबके चहेते नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के समाचार से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई थी। अब उनके चाहने वाले प्रशंसक अपने प्रिय नेता के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कर कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। खरगोन नगर पालिका सभागार में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, कलेक्टर शशिभूषण सिंह, SP डी कल्याण चक्रवर्ती, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रशांत चौहान और पूर्व विधायक बाबूलाल महाजन सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे। वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने संबोधन में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को देश का सर्वमान्य नेता करार देते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। राज्य मंत्री पाटीदार ने पोखरण परमाणु विस्फोट को लेकर अटल जी के द्वारा विश्व के सामने किए गए भारत के पुरुषार्थ प्रदर्शन को याद किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों ने स्वर्गीय अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। भारत रत्न राष्ट्र कवि स्वर्गीय सभ्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। निसंदेह यह क्षण अत्यधिक दुख का है, पीड़ा का है। हम सभी यहाँ बैठे हुए यह महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच से ही कोई एक परिवार का सदस्य हमको सदा सदा के लिए छोड़ के चला गया है, जो सुख में, दुख में, विपत्ति में, खुशी में हर समय हमारे साथ रहा करता था। निसंदेह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी का पूरा जीवन सबके सामने है। उन्होंने बहुत सारी चीजें जो भारतीय राजनीति में शुरू की वो अनुकरणीय है, विलक्षण है। समेकित भावना, समावेशी सोच के अंतर्गत जो राजनीति की उन्होंने शुरुआत की उसका ही परिणाम था कि 25-26 विभिन्न दलों को साथ लेकर के उन्होंने गठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक चलाई। प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही दुखदायी है, सबको बहुत दुख हुआ है, पूरे देशवासी। जनसंघ से अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, उसमें जीते हारे लेकिन एक संकल्प था मन में, उस संकल्प को लेकर के बढ़ते गए। 1970 में जनता पार्टी बनी और वो जनता पार्टी का प्रयोग असफल हो गया, लेकिन मन में संकल्प था इस देश को परम वैभव पर ले जाने का, उसको पूरा करना है। वो प्रयोग असफल होने के बाद में भी अटल जी ने कई विचारधाराओं के लोगों को एक साथ ला करके, क्योंकि उन दिनों 1980 में जब जनता पार्टी खंडित हो गई तब सारे राष्ट्र के सामने चिंता थी, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना भी बहुत अवश्यंभावी है, लेकिन उसकी कमी सबको फल रही थी। ऐसी परिस्थिति में अटल जी के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1980 को मुंबई के शिवाजी पार्क में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। खरगोन जिले के अन्य स्थानों में भी श्रद्धांजलि के द्वारा स्वर्गीय अटल जी को याद किया गया। जिले के भगवानपुरा में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। गोगावा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, भाजपा नेताओं और गणमान्य नागरिकों ने अटल जी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की।
खरगोन शहर के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों का प्रदर्शन अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को आदिवासी छात्र संगठन ने बारिश के बीच उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज के एडमिशन की मांग को लेकर कॉलेज के गेट बंद करके धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बारिश के बावजूद छात्र छात्राएं अपनी मांग को लेकर कॉलेज के गेट पर डटे रहे। काफी देर तक हुई नारेबाजी के बाद अपर कलेक्टर TC गौड़ ने मौके पर पहुंचकर छात्र छात्राओं से बातचीत की। बताया जा रहा है कि इस वक्त शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 1200 ऐसे छात्र हैं जिन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया है। अगर कॉलेज प्रशासन की माने तो यह असंभव है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा दिए गए आश्वासन को मानकर फिलहाल छात्र संगठनों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि प्रशासन का आश्वासन सही था या एक बार फिर छात्र छात्राओं को आंदोलन की बागडोर संभालनी पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।